आज मैं आपको हैबिस्कस के पौधे के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा हैबिस्कस का प्लांट है और ये कितना खूबसूरत है। इसके फूल का कलर कैमरे में सही तरीके से नहीं आ पाता है, लेकिन असल में ये फूल बहुत ही खूबसूरत दिखती है। किसी भी पौधे की खुशहाली और गम की निशानी उसके पत्तों का कलर होता है। जब पौधे के पत्ते हरे भरे होते हैं और उसमें फ्लावरिंग भी होती है, तो ये इस बात की निशानदेही है कि पौधे की सही तरीके से केयर की जा रही है और उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। और जिन पौधों के पत्ते हरे भरे होते हैं, उनमें अमूमन बीमारी भी कम लगती है। और आपने भी देखा होगा, जिस पौधे के पत्तों की हरियाली कम होगी, उसी में बहुत सारी बीमारी लगती है। जब पौधे के पत्ते हरे भरे होते हैं, तो उसकी ग्रोथ भी सही तरीके से हो पाती है, फ्लावर की संख्या भी अधिक होती है, और इसके साथ साथ बीमारी तो कम लगती ही है और केयर भी कम करनी पड़ती है। इसके अलावा जिनके पत्तों में हरियाली की कमी होती है, यानी कि पत्तों में पीलापन होता है, तो अमूमन उन पौधों में कीट और फंगस उनमें अक्सर लगती रहती है, क्योंकि बीमारी भी कमज़ोरों पर हमलावर होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम इसके पौधे के साथ यही करना है कि इसके पत्तों की हरियाली को बरकरार रखना है। और इसके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए सबसे पहला काम तो यही करना है कि इसके पौधे को साल में कम से कम एक दफ़ा रिपोर्ट करना है। अगर 2 दफ़ा भी किया जाए तो और बेहतर होता है, लेकिन कम से कम एक दफ़ा तो कर ही लेना चाहिए। जब आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं, तो नई मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और उन नई मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो अमूमन बहुत सारे खादों में नहीं मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में। इसके पौधे की हरियाली ख़त्म होने का, इसकी मिट्टी का पुराना हो जाना बहुत ही बड़ा कारण होता है। दूसरा काम ये करना है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा को बहुत ही कम रखना है, यानी कि इसमें डीएपी और बोन मील को बहुत ही कम देना है। आप नाइट्रोजन और पोटास को बराबर मात्रा में दे सकते हैं, फास्फोरस को बहुत ही कम देना है, लगभग नाइट्रोजन के आधे से भी कम। और आपको इसमें बैलेंस एनपीके नहीं देना चाहिए, और अगर आप बैलेंस एनपीके देना ही चाहते हैं, तो आप बैलेंस एनपीके में यूरिया और पोटास को मिला दीजिए, जिससे नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक खाद तो देना ही चाहिए। बगैर ऑर्गेनिक के अगर आप इसके पौधे से बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो कुछ समय तो केमिकल खाद देकर आप काम चला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि महीने में एक दफ़ा किसी भी टाइप की कंपोस्ट को दिया जाए। उसके अलावा अगर आप केमिकल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें एप्सन साल्ट को भी देना चाहिए। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम एप्सन साल्ट को घोलना है और इसके पत्तों पर स्प्रे कर देना है, और ज़्यादा नहीं, महीने में एक दफ़ा। धीरे धीरे आप इसे 20 दिन पर, 25 दिन पर, 15 दिन पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मस्टर्ड के का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं, और मैं इसमें फ़िलहाल मस्टर्ड के का लिक्विड खाद ही दे रहा हूँ, और कभी कभी थोड़ा बहुत डीएपी देता हूँ, लेकिन बहुत ही कम। इसके अलावा मैं इसमें एप्सन साल्ट को भी देता हूँ। अभी विंटर का सीज़न ख़त्म हुआ है और समर सीज़न की आमद हुई है, तो फिलहाल तो मैं इसमें खाद बहुत ही कम दे रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इसमें केमिकल और ऑर्गेनिक खाद की मात्रा को बढ़ाऊँगा, लेकिन फिलहाल जो अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं वो मस्टर्ड के लिक्विड खाद का और थोड़ी मात्रा में डीएपी और एप्सन साल्ट का है। तो खैर, इसके पौधे से बेहतर फ्लावरिंग के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद तो देना ही पड़ेगा, और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप केमिकल खाद भी दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है फास्फोरस की मात्रा को कम से कम रखना है।
आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा इसके पौधे से अधिक संख्या में फूल हासिल करने के लिए आपको इसके पौधे की कटाई छटाई करनी चाहिए और साल में एक दफा कम से कम पौधे की कटाई करनी चाहिए। बेहतर है कि फरवरी के महीने में पौधे की ब्रांचेस को काटा जाए। जब आप पौधे की ब्रांचेस को काटते हैं तो बहुत सारी नई ब्रांचेस निकलती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर एक पत्ते से एक नई ब्रांच निकल आती है। तो इस कंडीशन में आपको करना ये है कि जो ब्रांच इसकी हेल्दी हो उसे रखना है और जो कमज़ोर हो उसे हटा देना है। अगर आप सभी ब्रांचेस की ग्रोथ को होने देते हैं तो इससे प्रॉब्लम यह होता है कि पौधा हर एक ब्रांच को बड़ा करने की कोशिश करता है जिससे उसकी एनर्जी उनमें जाती रहती है और इसका नतीजा ये होता है कि पौधे में फ्लावर की संख्या कम हो जाती है। तो बेहतर है कि इसमें ब्रांचेस की संख्या को मेंटेन करके रखा जाए। अधिक ब्रांचेस तो होनी चाहिए लेकिन वो ब्रांचेस होनी चाहिए जो हेल्दी हो। अनहेल्दी और दुबली पतली ब्रांचेस पौधे की सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जो इसके फूल सूख जाए उसे काट कर हटा देना है क्योंकि फूल के सूख जाने के बाद जब उनमें पॉलिनेशन हो जाती है तो सीड पॉट बनती है जो फिजूल में पौधे की एनर्जी को लेती रहती है। तो इन्हें काट कर हटा देना जरूरी है। इसके अलावा पौधे को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए इसे वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल में ग्रो करना चाहिए। और अगर आप इसके पौधे को लगाने में नए हैं तो आप इसके पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाइए। प्लास्टिक के गमले में तभी लगाइएगा जब आपको इसके पौधे का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। ये पौधा मेरा पिछले साल का है और इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से फ्लावरिंग होती है। और इसके पौधे को हमेशा सैंडी सॉइल में ग्रो करना चाहिए। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तो आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट को मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसमें पानी ज़रूरत के हिसाब से ही देना है। मिट्टी में बहुत ही हल्की सी नमी रखना है। इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी तो होनी चाहिए लेकिन वाटर की, मॉइस्चर की। अगर मिट्टी में कीचड़ जैसा बना रहा तो पौधे की जड़ खराब हो जाती है। इसकी जड़ें बहुत ही नाजुक होती है। थोड़ा सा भी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसके पौधे में रूट रॉट होती है और पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हल्की हल्की सी मिट्टी में नमी बरकरार रहे लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर बात की जाए इसके सनलाइट की तो उसे मई जून की तेज़ गर्मी में दोपहर की धूप से बचा कर रखना चाहिए। अगर पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर गमले में लगा हुआ है तो दिक्कत होती है। देसी वैरायटी थोड़ा गर्म क्लाइमेट होने पर भी सरवाइव कर जाती है। हाइब्रिड की वैरायटी अगर तापमान अधिक गर्म हो जाता है तो फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। तो ख्याल रखना है मई जून की तेज़ गर्मी में दोपहर की धूप से बचा कर रखना है और आप इसके लिए ग्रीन नेट को लगा सकते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है जब भी आप इसके नए पौधे को लगाइए तो पौधे को लगाने से पहले नेट पोट को चेक करना है। हिबिस्कस की कई वैरायटीज में नेट पोट लगा हुआ होता है और पौधे लगाने से पहले इस नेट पोट को हटाना जरूरी होता है। और इस नेट पोट को हटाने का सबसे बेहतर समय होता है फरवरी का आखिरी सप्ताह। इसके अलावा आप 10-15 मार्च तक भी इस नेट पोट को निकाल सकते हैं और अगर बरसात के महीने में निकाला जाए तो सबसे बेहतर होता है। इस नेट पोट को कैसे और क्यों निकाला जाता है इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो पहले बनाकर दे चुका हूँ, आप इस पर क्लिक करके देख लेना।